ये रही आजादी की लड़ाई से जुड़ी एक कहानी। फरवरी 1928 में साइमन कमीशन के खिलाफ लाहौर में प्रदर्शन के दौरान लाला लाजपत राय बुरी तरह घायल हो गए और कुछ समय बाद उनका देहांत हो गया। भगत सिंह ने उनकी मृत्यु का बदला लेने के लिए ब्रिटिश डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल स्कॉट की हत्या करने का फैसला किया, लेकिन उन्होंने धोखे से असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट सॉन्डर्स को स्कॉट समझकर गोली मार दी। इसके बाद भगत सिंह ने अपने साथियों के साथ दिल्ली विधानसभा में धुएं के बम फेंके और राजनीतिक पर्चे उड़ाए। भगत सिंह और उनके साथियों ने इस हमले के बाद सरेंडर कर दिया। जेल में रहन सहन की बुरी व्यवस्था के खिलाफ उन्होंने 116 दिन तक भूख हड़ताल की। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। तब से ये दिन शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है।